मध्य प्रदेश में लोकायुक्त लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जहां इंजीनियर बिल पास कराने के नाम पर ठेकेदार से 15,000 रिश्वत मांग रहा था, जिसे लोकायुक्त की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। दरअसल ये घूसखोर इंजीनियर ठेकेदार से उसके काम के पेमेंट कराने के बदले में 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। वहीं भोपाल रेंज के लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक मनु व्यास को ठेकेदार गुलाब राय महादेव निवासी अमरावती ने शिकायत की थी कि उसने ग्राम पंचायत वणली में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सोप पिट और नाडिब बनाने काम किया था, जिसका बिल 1,15,000 रुपये हुआ था। इंजीनियर इसी पेमेंट का बिल पास कराने के लिए उससे 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने छानबीन की तो इंजीनियर उन्हें शक हुआ और उन्होंने इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये अमरावती घाट है आपके यहाँ तहसील मुल्ताई जिला बैतूल में, वहाँ के आवेदक हैं गुलाबराव महादेवराव दुर्गे। इन्होंने 10 तारीख को SP लोकायुक्त महोदय का शिकायत की थी इस बात की, श्री मनु व्यास साहब के पास में, कि उन्होंने ग्राम पंचायत मंडली में कुछ काम किए थे अपने नाडे बॉस अशोक पिट बनाने के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और इसका लगभग उनका 1,15,000 रुपये का बिल पेमेंट होना है, और वो बिल पेमेंट होना था यहाँ जनपद पंचायत कार्यालय से ग्राम प्रभात पट्टन में।